लास्ट एपिसोड में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं। चलिए तो आज हम उसके आगे की कहानी के बारे में बात करेंगे। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम आइस फीनिक्स को देखते हैं। वो दोबारा से हुहन एम्पायर की आर्मी को रोकने लगती हैं, जिसके बाद चारों एकेडमी बैटल अरेना में दबाई मचाने लगते हैं। वही राइनो सेक्ट के लोग ड्रैगन सेक्ट पर भारी पड़ने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे ड्रैगन सेक्ट के लोग मारे जाते हैं। ऐसा होते हुए देख कर के ड्रैगन सेक्ट के कुछ पावरफुल स्पिरिट मास्टर्स अपनी स्पिरिट फॉर्म में आ जाते हैं, जिसके बाद वह राइनो सेक्ट के स्पिरिट मास्टर्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इस पर राइनो सेक्ट के एल्डर एक पावरफुल अटैक लॉन्च करते हैं, जिसकी वजह से ड्रैगन सेक्ट के स्पिरिट मास्टर्स बहुत दूर जाकर के गिरता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक जगह ड्रैगन सेक्ट के लोगों ने मिलकर के टैंग सेक्ट आर्मी घेर लिए होता है। इस पर उनके एल्डर अपनी टेक्निक से उन लोगों को पीटना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग उन ड्रैगन स्पिरिट को उठा करके हवा में फेंकते हैं, जिसे ओल्ड बर्ड ने एक झटके में ही मार देता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के ऑस्कर और मोटू पर आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि अब हमें इस जंग को खत्म करना चाहिए, जिसके बाद हम देखते हैं कि यह लोग अपनी एट स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हेल्प से यह लोग एक हुहन एम्पायर के एल्डर को मार देते हैं, जिसे देख कर के हुहन एम्पायर के एक एल्डर कहता है, सभी लोग इस समय सर्वाइव कर लो, क्योंकि थोड़ी ही देर में बिबडोंग की बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिबडोंग के बॉडी रिस्टोर होने लगते हैं और थोड़ी ही देर में बिबडोंग पूरी तरह से रिस्टोर हो जाती है। इस पर टैंक्शन उसे देख कर के डाई मुबाई से कहता है, हम उसे जाने नहीं दे सकते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि डाई मुबाई और कैट गर्ल बिबडोंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिबडोंग को पता चलता है कि उसका हार्ट पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, लेकिन तब तक डाई मुबाई और कैट गर्ल ने मिलकर एक पावरफुल अटैक को लॉन्च कर देता है, जिसे ड्रैगन सेक्ट के चीफ एक शील्ड बनाकर उसे रोकने लगता है। इस पर बिबडोंग सोचती है, इस समय हमारे आर्मी का कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है, इसलिए अगर हम लोग इसी तरह से बैटल करते रहे तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। जिसके बाद वो सभी स्पिरिट मास्टर को ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से जेलिंग पास पर वापस चलो। पर हम देखते हैं कि सभी स्पिरिट मास्टर डिफेंसिव फॉर्मेशन बना करके पीछे हटने लगते हैं। यह देख करके टियांडो एम्पायर के इंपीरियल आर्मी जल्दी से उन पर अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक टाइगर ट्रूप्स मारे जाते हैं। वही फोर एलिमेंट एकेडमी का एक स्पिरिट मास्टर अपनी डेमन वुल्फ को लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके ठीक बाद एक स्पिरिट मास्टर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक टाइगर सेक्ट के कई सारे लोगों को मार देता है। वही हमारी फायर गर्ल भी सनफ्लावर डांस को लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि यह तीनों लोग अपने अपने टेक्निक को एक साथ ड्रैगन सेक्ट के फॉर्मेशन पर लॉन्च कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं इस अटैक की वजह से हुहन एम्पायर का डिफेंसिव फॉर्मेशन टूट जाता है। तभी हुहन एम्पायर के फ्रंट लाइन में बचे हुए वॉरियर्स टियांडो एम्पायर के आर्मी पर कई सारे तीरों को एक साथ छोड़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इंपीरियल आर्मी अपनी शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें देख करके हुहन एम्पायर के बचे हुए स्पिरिट मास्टर जेलिंग पास की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। वही बिबडोंग भी यही मौका देख करके वापस जाने की कोशिश करते है, लेकिन तब तक स्वॉर्ड अंकल बीच में आ जाते हैं और अपनी फोर्थ स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके बिबडोंग और उनके बाकी लोगों को रोक देते हैं। वही उनकी टेक्निक इतनी पावरफुल होती है कि इस समय उसे कोई पार नहीं कर पाता है। यह देख करके गोस्ट लिफ्ट अपनी स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनसे लड़ने के लिए चला जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड अंकल के सामने हार जाता है। यह देख करके मार्शल जिलांग हंसते हुए कहते हैं, जेलिंग पास पर रुक करके खुद को डिपेंड करना आसान है, लेकिन वहाँ से अटैक करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को नहीं जाने देना चाहिए। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपनी ट्रूप्स को खुद अटैक करने के लिए लीड करूंगा। ग्रैंड मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं, जहाँ तक मैं बिबडोंग की नेचर को जानता हूँ, वो जरूर कुछ ना कुछ प्लान किया होगा, इसलिए इस सिचुएशन में भी केयरफुल रहना चाहिए। तब मार्शल जिलांग कहते हैं कि मुझे लगता है इस समय हुहन एम्पायर पीछे हट रहा है, इसलिए अगर हम लोग उनका पीछा नहीं करते हैं तो हमारे आर्मी का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी आर्मी को आगे बढ़ने के लिए आदेश दे देते हैं, जिसके बाद उनका आर्मी पूरी तेजी के साथ जेलिंग पास की तरफ बढ़ने
बढ़ने लगते हैं। वही टैंशन ऑस्कर और मोटू को रोकते हुए कहता है, हमारा उन लोगों के पीछे जाना ठीक नहीं है क्योंकि हम लोग अपने अपने फाइट के वजह से बहुत ही ज्यादा गायब हो चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैंशन शू को अपनी स्पिरिट पावर देने लगता है। तभी शू होश में आ जाते हैं। इस पर टैंशन उसे बताती है, मैंने डेमन बेयर के अटैक को गोल्डन शील्ड इस्तेमाल करके डॉक कर लिया था, इसलिए तुम्हें मुझे अपनी पावर देने की जरूरत नहीं है। इस पर टैंशन शू से कहता है, तुम्हें दोबारा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी सेफ्टी है। यह सुनकर के शू कहते हैं कि फिर तो तुम्हें खुद को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि तुम भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। इसके बाद हम देखते हैं कि बिबडोंग अपनी एल्डर का साथ मिलकर जेलिंग पास पर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह लोग जेलिंग पास के डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिव कर लेते हैं, जिसकी वजह से टियांडो आर्मी मरने लगते हैं। वही थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि उन लोगों ने वहां पर पॉइजन गैस को छोड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से टियांडो आर्मी मारे जाने लगते हैं। इस पर हम देखते हैं कि वह लोग पीछे हटने की कोशिश करते हैं। तभी वहां मधुमक्खी सेक्ट के चीफ अपनी लोगों के साथ में आ जाते हैं, जो कहती है, मैं तुम लोगों को भागने नहीं दूंगी। इसके बाद वो एक अटैक लॉन्च करती है, जिसकी वजह से इंपीरियल आर्मी के कई सारे लोग मारे जाते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको